दोस्तों आज भी काफी अच्छी न्यूज वगैरह आपके लिए आया हूँ। दोस्तों थोड़ी बहुत लॉन्चिंग भी है साथ में, तो मैं आपको उनके बारे में बता देता हूँ। दोस्तों सबसे पहले रेडमी की तरफ से शुरू करते हैं और रेडमी नोट 10 लाइट, दोस्तों ये फोन आज इंडिया में लॉन्च हो चुका है और दोस्तों ये आता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर के ऊपर, यानी कि दोस्तों ये 4G फोन है। दोस्तों इसका प्राइस निकल गया है 13,999 रुपीज का और दोस्तों ये आता है 4GB 64GB के पहले वेरिएंट के साथ में। दोस्तों इसके अंदर आपको मिल जाएगी 6.67 इंच की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले। दोस्तों इसके अंदर आपको जो बैटरी मिलती है वो मिलती है 5020 mAh की, 18 वॉट का फास्ट चार्जर है साथ में। दोस्तों अब फास्ट कहना सही है या नहीं है मुझे नहीं पता है, दोस्तों आप देख लीजिएगा। और दोस्तों इसके अंदर अगर मैं कैमरा साइड की बात करूं तो आपको मिलेगा 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो और साथ में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ। और दोस्तों अगर मैं बात करूं फ्रंट की तो फ्रंट में आपको मिल जाएगा एक 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। दोस्तों फोन कहूंगा ओवरऑल अच्छा है और एंड्रॉयड बेस 11, तो 11 बेस है दोस्तों, काफी अच्छी बात है। और दोस्तों साथ में आपको इसके अंदर मतलब लाइट नाम है दोस्तों इसका, लेकिन इसके अंदर आपको जो वेट मिलता है वो मिलता है 209 ग्राम्स का, तो दोस्तों वेट के हिसाब से तो नहीं कहूंगा लाइट है, हाँ फोन का नाम जरूर लाइट है। और दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ रही है रियलमी की तरफ से और रियलमी का मास्टर एक्सप्लोरर एडिशन। दोस्तों ये इंडिया में नहीं लॉन्च होने वाला है, ये कंपनी ने कंफर्म कर दिया है। दोस्तों ये फोन तो नहीं आएगा, पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ जल्दी ही रियलमी अपना लेके आने वाला है रियलमी GT Neo 2। दोस्तों ये काफी अच्छी बात है। और दोस्तों आपको बता दूं जो बड्स एयर 2 है इनके अंदर एक नया ऑप्शन आने वाला है ग्रीन कलर का, तो वो भी जल्दी आ जाएगा। और दोस्तों बड़ी न्यूज निकल के आ रही है एप्पल की तरफ से और दोस्तों एप्पल जो है वो बहुत ही अच्छी ऑफर लेके आया है। दोस्तों ये ऑफर शुरू होगी 7th October से और ये चलेगी 4th November तक। दोस्तों अगर आप iPhone 12 या फिर iPhone 12 mini ये दो फोन लेते हो तो दोस्तों आपको इन दोनों फोन के साथ एयरपॉड्स फ्री मिलने वाले हैं। दोस्तों ये साथ में आपको मिल जाएंगे, दोस्तों काफी अच्छी बात है, काफी बढ़िया ऑफर है। दोस्तों अगर आप एप्पल लेना चाहते हो 12 सीरीज में तो 12 या मिनी तो इन दोनों को देख सकते हो। दोस्तों इन दोनों में आपको एप्पल एयरपॉड्स फ्री मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ रही है मोटोरोला की तरफ से और आज इनका फाइनली Edge 20 Pro इंडिया में लॉन्च हो चुका है। दोस्तों ये फोन आता है 6.70 इंच की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले के साथ। दोस्तों ये आता है 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में। दोस्तों काफी अच्छा रिफ्रेश रेट आपको मिल जाता है इस फोन में। दोस्तों वैसे आपको इसका प्राइस बता देता हूँ, 36999 का ये फोन आता है। दोस्तों इसका पहला वेरिएंट आता है 8GB 128GB का और दोस्तों अगर मैं स्टोरेज टाइप की बात करूं तो वो आती है UFS 3.1 और रैम टाइप की बात करूं तो वो आती है LPDDR5, तो दोस्तों काफी अच्छा है। और दोस्तों अगर मैं इसके प्रोसेसर की बात करूं तो इसमें आपको मिल जाएगा Qualcomm Snapdragon 870, दोस्तों ये भी काफी अच्छी बात है। और दोस्तों इसके अंदर आपको मिल जाता है Android 11 क्योंकि Android 11 बेस्ड है और दोस्तों ये स्टॉक Android के ऊपर आता है, ये काफी अच्छी बात है, एकदम क्लीन UI आपको मिल जाएगा। और दोस्तों इसके अंदर आपको जो मिल जाता है कैमरा सेटअप वो काफी अच्छा है। दोस्तों 108 मेगापिक्सल का आपको प्राइमरी मिल जाएगा, 16 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड मिल जाएगा और 8 मेगापिक्सल का आपको मिल जाएगा टेलीफोटो। दोस्तों ये एक काफी अच्छा कैमरा सेटअप मैं कहूंगा। और फ्रंट में आपको मिल जाएगा 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, दोस्तों वो भी बड़ी अच्छी बात है और दोस्तों फोन काफी अच्छा है। बाकी दोस्तों इसके अंदर आपको मिल जाती है 4500 mAh की बैटरी और साथ में मिल जाएगा 30 वॉट का फास्ट चार्जर, दोस्तों ये काफी अच्छी बात है। और दोस्तों इसका वेट आता है 190 ग्राम्स का, तो दोस्तों अगर ये फोन होता 209 ग्राम का तो मैं कह सकता था कि अच्छा है, पर ये तो 190 ग्राम्स का है, मतलब ये असल में लाइट है। Redmi Note 10 लाइट नहीं है, हैवी है। और दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ रही है Asus की तरफ से और Asus की Vivo Book 15, दोस्तों ये OLED डिस्प्ले के साथ में आज लॉन्च हो चुकी है इंडिया में। दोस्तों इसके अंदर आपको मिल जाती है 15.6 इंच की OLED डिस्प्ले, दोस्तों काफी अच्छी बात है। और दोस्तों इसके अंदर आपको अलग अलग प्रोसेसर के ऊपर अलग अलग लैपटॉप मिल जाते हैं। दोस्तों इसके अंदर कोर i3, i5, i7 और इसके साथ आपको Ryzen के AMD प्रोसेसर भी मिल जाएगा, तो दोस्तों आपको जो भी प्रोसेसर पसंद है उसके ऊपर आप ले सकते हो। दोस्तों ये काफी अच्छा लैपटॉप है और इसके साथ आपको विंडो 10 प्री इंस्टॉल मिल जाएगी जेन्युइन। दोस्तों इसके अंदर जो आपको रैम मिलेगी वो स्टार्टिंग होती है 8GB से और ये जाती है 16GB तक। और दोस्तों SSD की बात करूं तो वो स्टार्ट होती है 256GB से, तो दोस्तों ये भी काफी अच्छी बात है। तो दोस्तों इसका प्राइस निकल के आता है 46,990 रुपीज का, दोस्तों काफी अच्छा कहूंगा। और ये सेल वगैरह जो चलनी शुरू होनी है दोस्तों इनके अंदर ही आपको सारी चीजें मैं बता रहा हूँ लॉन्चेस हो रही हैं, तो ये आपको मिल जाएंगे उन्हीं के अंदर। और दोस्तों आज बोल्ट ने अपने लॉन्च कर दिए हैं एयर बास गियर पॉड्स,
दोस्तों काफी लंबा सा नाम है, और वैसे दोस्तों काफी अच्छे हैं। इसके अंदर आपको 32 आवर्स की बैटरी लाइफ मिल जाती है विद केस, और दोस्तों अगर मैं सिंगल की बात करूं तो वो आपको 8 आवर्स की बैटरी लाइफ दे देता है। दोस्तों काफी अच्छी बात है, और इनका प्राइस जो है वो सिर्फ 999 का है, यानी कि आप कह लीजिए 1000 रुपीज का, और दोस्तों ये भी इन्हीं सेल में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। वैसे दोस्तों आपको बता देता हूँ, ये आते हैं ट्रिपल कलर ऑप्शन के साथ में, ब्लैक, ब्लू और व्हाइट, और दोस्तों ये आते हैं IPX5 की रेटिंग के साथ, यानी कि वाटर रेसिस्टेंट एंड डस्ट रेसिस्टेंट। और दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ रही है ओप्पो की तरफ से, और ओप्पो ने आज इंडिया में लॉन्च कर दिया अपना एक नया फोन। दोस्तों इसका नाम है A55, और दोस्तों ये आता है MediaTek Helio G35 के ऊपर। दोस्तों इसका मतलब ये भी 4G फोन है, और दोस्तों इसके अंदर आपको मिल जाती है 6.51 इंच की HD+ डिस्प्ले। दोस्तों फुल HD+ होती तो ज्यादा मजा आता, वैसे ही HD+ है। और आपको बता दूं इसके अंदर आपको मिल जाएगा 50 मेगापिक्सल का एक कैमरा जो कि प्राइमरी है, और साथ में आपको मिल जाएगा 2 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट सेंसर और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो। दोस्तों अच्छा सेटअप कहूंगा, और फ्रंट में आपको मिल जाएगा 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। दोस्तों इसके अंदर आपको पहला वेरिएंट मिल जाएगा 4GB 64GB का, और इसका प्राइस स्टार्ट होता है 15,990 रुपीज से। एंड्रॉइड 11 बेस्ड है दोस्तों, इसके अंदर आपको बैटरी मिल जाएगी 5000 mAh की। दोस्तों काफी अच्छा फोन है, तो अगर आप ट्राई करना चाहो तो ये भी आपको ये सेल्स वगैरह स्टार्ट होने वाली इनमें मिल जाएगा। और दोस्तों डायसन लेके आ गया अपने नए प्योरीफायर, इनका नाम है प्योरीफायर हॉट प्लस कूल, और साथ में है प्योरीफायर कूल। दोस्तों ये दो हैं, और दोस्तों इनका प्राइस स्टार्ट होता है 45,900 रुपीज इन इंडिया। और दोस्तों ये काफी अच्छे प्योरीफायर्स हैं, ये आपको ही H13 फिल्ट्रेशन के टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं। दोस्तों काफी ज्यादा फिल्टर मतलब ये एयर को कर सकते हैं, और दोस्तों इनके अंदर आपको एक छोटी सी स्क्रीन भी मिल जाती है इनबिल्ट। दोस्तों जो प्योरीफायर हॉट प्लस कूल है, इसके अंदर आपको एज अ हीटर भी मिल जाता है, तो कोल्ड वेदर के अंदर आपको ये बहुत हेल्प करेगा एज अ हीटर भी। और दोस्तों साथ में आपको बता दूं ये स्मार्ट है, इनको आप अपने डायसन की ऐप आती है वो आप अपने फोन के साथ इन्हें कंट्रोल कर पाओगे। दोस्तों अगर मैं डायसन प्योरीफायर हॉट प्लस कूल की बात करूं तो ये इसका प्राइस आता है 55,900 रुपीज। दोस्तों काफी अच्छे हैं, आप ट्राई करना चाहो तो ये भी आपको मिल जाएंगे कहीं ना कहीं सेल वगैरह के अंदर, और अगर नहीं तो मिल ही जाएंगे दोस्तों। और दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ रही है रियलमी की तरफ से, और रियलमी का GT मास्टर एडिशन हो, रियलमी 8 हो, या फिर इनके बड्स वगैरह हो, दोस्तों इनके अंदर काफी अच्छे डिस्काउंट्स मिलने वाले हैं इन सेल्स के अंदर। दोस्तों आप चेक कीजिएगा, वैसे इसके ऊपर न्यूज निकल के आई है तो मैंने आपको बताया। दोस्तों इसके अलावा जो है आपको और भी बहुत अच्छे डिस्काउंट्स वगैरह मिलने वाले हैं। तो दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ रही है ब्लू स्टार्स एक्स क्लाउड गेमिंग की तरफ से। दोस्तों ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं गेमिंग की। दोस्तों आप किसी भी डिवाइस पे एंड्रॉयड फ्री गेम्स को अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप पे, आईपैड्स, आईफोन्स वगैरह किसी पे भी खेल सकते हो। दोस्तों ये क्लाउड बेस्ड है, तो इन्हें आप ब्राउजर वगैरह पे ओपन करके खेल सकते हो। वैसे दोस्तों इसके अंदर 200 गेम्स हैं अभी इस टाइम करंटली, और जिसमें से अभी इस टाइम आप 14 गेम्स खेल सकते हो। दोस्तों बाकी भी अवेलेबल हो जाएंगी, और दोस्तों ये काफी अच्छी बात है, अभी ये इंडिया में लॉन्च हो चुका है, तो आप इस सर्विस को ट्राई कीजिएगा, आप बताइएगा आपको कैसी लगी। और दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ रही है फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज की तरफ से, और दोस्तों ये काफी अच्छे डिस्काउंट देने वाले हैं पोको के फोन्स के ऊपर भी। दोस्तों पोको X3 प्रो ये बहुत अच्छा फोन है। दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था 4G के अंदर इसके अंदर बहुत बड़ा प्रोसेसर लगा हुआ है, और दोस्तों इस फोन का प्राइस इस सेल के दौरान रहेगा 16,999 का। दोस्तों ये आपको पड़ेगा 17,000 रुपीज में। सो काफी पावरफुल फोन है, इसके अंदर बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर लगा हुआ है, तो अगर आप ये ट्राई करना चाहो तो कर पाओगे। और दोस्तों इसके साथ ही इनका M2 Pro और साथ में जो भी C31 वगैरह लॉन्च हुए हैं अभी, उनके अंदर भी आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट्स मिल जाएंगे, तो दोस्तों देखिएगा जरूर। तो दोस्तों अब बारी होती है ऑटो न्यूज की, और ऑटो न्यूज में दोस्तों सबसे पहले न्यूज निकल के आ रही है मारुति सुजुकी की तरफ से, और दोस्तों इनकी कार्स हो, SUVs हो, सबका वेटिंग पीरियड बढ़ चुका है दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको बताया था प्रोडक्शन जो है वो 40% तक रह गई थी, तो इस वजह से इनका वेटिंग पीरियड जो और ज्यादा बढ़ गया है। तो दोस्तों अगर आपने कोई बुक करवाई हुई तो और ज्यादा डिले हो सकती है। और दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ रही है मारुति सुजुकी की तरफ से फिर से, और दोस्तों आपको याद होगा मैंने एक बार बताया था आपको मारुति सुजुकी की सिलेरियो नहीं आने वाली है। दोस्तों इसका कंसेप्ट जो है वो रिवील हुआ था, दोस्तों वो वाली आप सारी फोटोज दोबारा से देख सकते हो। और दोस्तों ये डेट निकल के आ चुकी है कि ये 10th November को लॉन्च करेंगे। दोस्तों काफी अच्छी बात है, अभी तक दोस्तों मेरे पास इसके इंजन वगैरह की डिटेल नहीं निकल के आई है। वैसे दोस्तों देखते हैं, पेट्रोल ही होनी चाहिए, बाकी डीजल का अभी मेरे को आइडिया नहीं है कि होगी इसमें। और दोस्तों लास्ट न्यूज निकल के आ रही है मर्सिडीज बेंज की तरफ से, और दोस्तों मेड इन इंडिया मर्सिडीज बेंज की S-क्लास दोस्तों ये इंडिया में लॉन्च हो सकती है 7th October को। दोस्तों लॉन्च हो नहीं सकती है, हो ही जाएगी, इसकी डेट निकल के आ चुकी है।
और दोस्तों इसके अंदर आपको दो इंजन ऑप्शन मिल जाएंगी, पेट्रोल और डीजल दोनों आने वाले हैं। दोस्तों इसका प्राइस रहने वाला है अराउंड 40 लाख। दोस्तों काफी अच्छा है और जो इसका बड़ा वाला वेरिएंट है CBU उससे ये हम कह सकते हैं सस्ती रहेगी। और दोस्तों इसके जो इक्विपमेंट्स होंगे उसके थोड़े स्टैंडर्ड रहेंगे, वैसे एकदम प्योर क्वालिटी के नहीं रहेंगे, थोड़ा सा उससे कमी रहेगी। पर दोस्तों देखते हैं जब लॉन्च होगी तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। तो दोस्तों आज की ट्रैक और ऑटो दोनों न्यूज होती है खत्म। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ एंड स्टे एट होम।